हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी फ्लाइट के थ्रू ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं यात्रा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप IRCTC की ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर IRCTC वेबसाइट से भी आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फ्लाइट टिकट बुक की जाती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है IRCTC एयर। उसके बाद आप इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको IRCTC एयर की मेन वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ आप लिखा देख सकते हैं air.irctc.co.in। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक साइन इन का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के लिए साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, IRCTC लॉगिन, यानी कि अगर आपने कोई IRCTC अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एक IRCTC अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है तो मैंने पहले ही उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे एक IRCTC ID क्रिएट की जाती है। अगर आपके पास IRCTC अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा गेस्ट यूजर लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी एंटर करनी है और एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे साइन इन कर लेना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप साइन इन हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वन वे। अगर आप सिर्फ एक साइड की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप इस वन वे के ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आने और जाने दोनों साइड की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राउंड ट्रिप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम एक साइड की ही टिकट बुक करना चाहते हैं तो हम यहाँ वन वे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रॉम का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको टाइप करना है कि आप कहाँ से यात्रा कर रहे हैं। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जगह का नाम टाइप करेंगे। मान लीजिए कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए कोई फ्लाइट बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं फ्रॉम में टाइप करूंगा दिल्ली और यहाँ पे टू के ऑप्शन में टाइप करूंगा चंडीगढ़। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको डिपार्चर डेट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको अपनी डिपार्चर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। आप किस डेट पे यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको एक साल का वक्त दिया जाता है। आप एक साल के अंदर कोई भी टिकट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप मान लीजिए तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा चार्जेस देने होंगे। आप जितनी लेट डेट के लिए टिकट बुक करेंगे उतने ही कम चार्जेस मिलेंगे। अब यहाँ पे आप अपने टिकट के चार्जेस देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर में जितना भी अमाउंट शो कर रहा है ये सारे वो अमाउंट हैं जो आपको पे करने होंगे टिकट बुक करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ से एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से 20 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रैवलर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने अडल्ट आप यात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए दो अडल्ट हैं तो आप यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टू कर देंगे। उसके अलावा 2 से 12 साल के बीच कितने लोग यात्रा कर रहे हैं उसके लिए आपको फुल चार्ज देना होगा। जी हाँ, 2 से 12 साल तक का अगर कोई आपका चाइल्ड है तो उसके लिए फुल टिकट चार्ज लगेगा। तो आप यहाँ से प्लस के आइकॉन से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर 2 साल से कम का कोई चाइल्ड है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे कम या ज्यादा करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक अडल्ट को ही रहने देते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से अपनी क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे। बाद आपके सामने क्लास ओपन हो जाती है जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इकोनॉमी, बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी। हम इसमें इकोनॉमी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि यही सबसे सस्ती होती है। उसके बाद आप अगर कोई प्रीफर्ड एयरलाइंस में यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ ड्रॉपडाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपके सामने फ्लाइट की ऑप्शन आ जाएंगी। तो आप इनमें से चाहें तो कोई भी फ्लाइट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑल एयरलाइंस पे ही रहने दीजिए। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी फ्लाइट्स की डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम पे यात्रा करना चाहते हैं, अपने मनपसंद टाइम पे अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मान लीजिए हम यहाँ पे इस फर्स्ट नंबर की फ्लाइट में टिकट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बुक के नीचे एक ऑप्शन मिलता है फ्लाइट डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अपनी फ्लाइट की आप डिटेल देख पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी फ्लाइट की सारी डिटेल यहाँ पे शो कर जाएगी, जैसे कि फ्लाइट डिटेल, फेयर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बैगेज डिटेल का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, चेक इन बैगेज और कैबिन बैगेज। चेक इन बैगेज में अडल्ट के लिए पर पर्सन 15 kg अलाउ होता है और कैबिन बैगेज के लिए 0 kg। के बाद यहाँ पे आप कैंसिलेशन फीस देख सकते हैं, अगर आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो आपसे क्या चार्जेस होंगे और उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फ्लाइट टिकट बुक करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आपको बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू यूज GST नंबर फॉर दिस बुकिंग, अगर आपके पास कोई GST नंबर है तो आप यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से आपके सामने आपकी फ्लाइट की सारी डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी फ्लाइट की डिटेल यहाँ पे शो करेगी, राइट साइड में अपने फ्लाइट का आप टोटल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि टैक्स भी इंक्लूडेड होते हैं और कोई एडिशनल चार्जेस हैं तो वो भी इंक्लूड होते हैं। अब मान लीजिए फ्लाइट में आप अपनी कोई मनपसंद सीट सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट सीट, इस पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट सीट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सीट का मैप ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आप अपनी मनपसंद सीट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। जिस भी सीट पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे माउस को लेके जाएंगे तो वहाँ पे अमाउंट शो कर जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी सीट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अगर आप अपनी मनपसंद सीट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। अगर आप यहाँ से अपनी मनपसंद सीट सिलेक्ट नहीं करते या नहीं करना चाहते तो ऑटोमेटिकली आपको सीट दे दी जाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यानी उसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको लास्ट में जाना है और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एड ट्रेवलर इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पैसेंजर की डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे कि पैसेंजर का फर्स्ट और मिडिल नेम या फिर कोई लास्ट नेम है तो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद पैसेंजर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इस कॉलम में आपको पैसेंजर का एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि पैसेंजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके अलावा एड्रेस। यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे और एरिया का पिन कोड देंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपना एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि किस एयरपोर्ट से आपको ट्रेवल स्टार्ट करना है और किस एयरपोर्ट पे जाके आपकी ट्रेवलिंग जो है समाप्त होगी या खत्म होगी। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक बार फिर से आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ एंटर करने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप अपना टोटल अमाउंट देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन देख पाएंगे, जैसे कि IRCTC, iPay, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI, वॉलेट्स, इंटरनेशनल कार्ड और EMI। इन सभी के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं ताकि आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर पाएं। तो अगर आपके पास कोई ATM कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, credit/debit card। तो हम इस वक्त डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि IRCTC, iPay, Paytm और इसके अलावा Razorpay और ICICI बैंक, इसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इस लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं।
सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पे एंड बुक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप राइट साइड में एक बार फिर से अपना अमाउंट चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर देंगे, एक्सपायरी डेट देंगे, यहाँ पे CVV नंबर देंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपकी प्लेन टिकट बुक हो जाएगी। टिकट बुक होने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था और ईमेल आईडी दी थी उस पे आपकी टिकट आ जाएगी, तो आप वही दिखा के आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो नियर बाय किसी साइबर कैफे में जाके आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्लाइट टिकट कैसे बुक की जाती है। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।